हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं निकला हूँ वीडियो बनाने के लिए। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कहीं पर जा नहीं रहा था, ऐसे कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपने शहर में ही हूँ। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि दिल्ली से हावड़ा जाती है। ये इधर पीछे जो आप देख रहे हो, ये दिल्ली की तरफ से आ रही है, इधर जो जा रही है वो हावड़ा की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर एक कॉलोनी है जहाँ पर मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आया हूँ। इस प्रॉपर्टी का एक बार मैंने पहले भी वीडियो बनाया था दिसंबर के महीने में, उसके बाद से आज बना रहा हूँ। आके देखते हैं क्या क्या चेंजिंग यहाँ पर हुआ है। इतने दिनों में मैंने सुना है बहुत सारे घर और बहुत सारे बाउंड्री बन गए हैं, तो चलिए देखते हैं मेरे साथ कैसा है ये। तो दोस्तों, ये है कॉलोनी का एंट्रेंस, चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है, डेकोरेट किया गया अच्छे से इसे। यहाँ पर बैठने की जगह, छोटा सा पार्क, या आर्टिफिशियल कुआं बनाया गया है जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करता था घर के अंदर। और ये चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण बिल्कुल। इधर एक बंद पड़ा हुआ प्लांट है, कोक प्लांट, आने वाले दिनों में लगता है कि वहाँ भी कॉलोनी बनी जाएगी, क्योंकि लगभग 20 सालों से वो प्लांट बंद है। ये देखिए, ये हाथी बनाया गया है सीमेंट से। ये हमारे भोले शंकर विराजमान है। ये सब बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, बच्चे आते हैं तो खेलते हैं यहाँ पे। ये फव्वारे के लिए बनाया गया था, फिलहाल ये फव्वारा काम नहीं करता। ये छोटा सा रेल, सड़कें थोड़ी सी जर्जर हो गई हैं। ये बच्चों के लिए स्लाइडर बनाया गया, इधर से सीढ़ी से चढ़ो, उधर स्लाइड करके उतरो। ये सब फैसिलिटीज़ हैं, टेंपल है, सिक्योरिटी है, स्विमिंग पूल बोला गया है, और एक कम्युनिटी हॉल। वो सामने जो दिख रहा है वो इस कॉलोनी का ऑफिस है। तो आपको अगर ज़मीन संबंधी कोई भी बातचीत करनी है तो इस ऑफिस में आके कर सकते हो। इसे भी एक पार्क जैसा बनाया गया है कॉलर ऑफिस के बाहर। कुल मिला के देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। एक दो घर बने इधर ऑफिस के पीछे में, दिखाता हूँ। ये एक एकड़ का प्लॉट किसी ने लेकर रखा हुआ, इसमें मैरिज हॉल या एक रिसॉर्ट खुलेगा। वो सामने देख रहे हैं, एक घर लगभग कंप्लीट हो चुका है, शायद नीचे के उस फैमिली के लोग भी शिफ्ट हो चुके हैं। और ये दूसरा, ये बाउंड्री पहले नहीं था, जब पिछली बार मैं आया था तो ये बाउंड्री नहीं था, अभी नया बाउंड्री बना है। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं 5-6 महीनों में, बहुत सारे बाउंड्री बन गए इधर। ये भी शायद घर में हाथ लगाएंगे, इसलिए इन्होंने बाउंड्री करवा दिया है। इधर दूर में एक फैक्ट्री है चालू।
चलिए और आगे दिखाता हूँ क्या क्या है। ये सारे बाउंड्री हो चुके हैं इधर। ये सामने एक घर कंप्लीट दिख रहा होगा, मगर अभी किसी ने शिफ्ट नहीं किया यहाँ पे। आने वाले एक दो महीने में शिफ्ट कर ही जाएंगे। छोटा सा मगर काफ़ी खूबसूरत घर बनाया है। ये सामने एक घर बन रहा है, इसके पीछे एक घर बन चुका है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, शांत है बिल्कुल वातावरण। उधर जो सामने बाउंड्री दिख रही है वो हमारी प्रॉपर्टी है, अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, पहले देख लूँ आगे और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे। वो सामने एक घर दिख रहा होगा, वो भी लगभग कंप्लीट हो चला है। ये गौ माता सब घास चर रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का लुक देता है। ग्रामीण क्षेत्र है भी, अभी फिलहाल थोड़ा सा आउट में पड़ता है यहाँ पे। ये चारों तरफ से हरे भरे पेड़ और बीच में ये कॉलोनी काफ़ी बड़ा बनाया गया है। जैसा इन्होंने बताया लगभग 1000 प्लॉट्स यहाँ पे होंगे, आप समझ सकते हो कॉलोनी कितनी बड़ी होगी। ये सामने एक भाई साहब ने घर में काम स्टार्ट किया है, कुछ महीनों में ये भी घर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे घर बनते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर रौनक बढ़ती जाएंगे, वैसे वैसे साधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे और लोग भी घर बनाना शुरू करेंगे। बोरिंग करा लिया है इन्होंने, काफ़ी कम पानी आ जाता है यहाँ पे। ये कॉलोनी का मुख्य नाला, यहीं से पानी की निकासी होगी। सामने खेत है, अभी फ़िलहाल वहाँ जा रहा है। आगे जैसे जैसे घर बनते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंड होता जाएगा। आने वाले दिन में जितना भी आगे आप खाली ज़मीन देख रहे हो सब इस कॉलोनी के अंदर आ जाएगा। वो दूर सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो स्कूल है बच्चों का, काफ़ी बड़ा स्कूल है, दूर से छोटा दिख रहा होगा। तो जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो फ़िलहाल यहाँ पे हैं। सामने स्कूल है, सरकारी स्कूल भी आगे बहुत बड़ा स्कूल है, थोड़ी दूर में कॉलेज है, एक आईआईटी नहीं कह सकते हैं, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पॉलिटेक्निक। थोड़ी दूर में एक बीएड कॉलेज है, मतलब चारों तरफ जो भी सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो गोविंदपुर बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। तो यहाँ पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक कॉलोनी में होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए। तो चलिए लेके चलता हूँ अपनी प्रॉपर्टी पे। ये सामने भी एक घर बन चुका है, लगभग कम्प्लीट हो चुका है। हो सकता है आने वाले एक दो महीने में यहाँ पर लोग शिफ्ट भी कर जाए, इससे कॉलोनी का यहाँ का रौनक बढ़ जाएगा और घर बनने से यहाँ ज़मीन का रेट भी बहुत डबल हो जाता है, बहुत तेज़ी से भागता है। ये एक भाई साहब ने बाउंड्री करके कांटे का बाड़ लगा दिया है और अंदर कुछ पौधे रोप दिए हैं, कुछ फल वाले हैं। सामने एक बोरिंग भी करा लिया है, एक हैंडपम्प भी लगवा दिया है पानी की पटाई के लिए। ये हमारी प्रॉपर्टी ब्लू गेट। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या हालत है इस ज़मीन की, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। ताले में जंग लग चुका है।
एक बार में ताला खुल गया। भाई साहब अंदर की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सारे झाड़ उगाए हैं, अगर इनकी कटाई नहीं की गई समय पर तो आने वाले समय में हमारा सर दर्द बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं और जब बड़े पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें काटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें काटने के लिए परमिशन तक लेनी पड़ती है। बेहतर होगा इसे छोटे में कटवा दें। एक अमरूद का पेड़ रोपा था, यह अभी इतना बड़ा हुआ है, हालांकि इसमें कोई फूल या फल नहीं लगा। ये आम का पौधा है, ये भी इतना बड़ा हुआ है, इसमें 3 फल लगे थे मगर दुर्भाग्य से हम लोग खा नहीं पाए, वो गिर गया या कोई पक्षी तोड़ के चला गया होगा या कोई बच्चे तोड़ लिए होंगे। ये पीछे भी एक गिरदी बनाया हमने, पर देख पा रहे हो कितना झाड़ी उग गया है, तो गेट तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ेगा, सब सफाई करानी होगी, बरसात के बाद कराएंगे। ये सहजन का पेड़ जिसे हम लोग सूटी बोलते हैं, ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोला जाता है, काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा सा रुकवाया था। इस गड्ढे को भरवाना है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई लेबर मिलेगा तो इस गड्ढे को भरवा दूंगा क्योंकि ये बेकार पड़ा हुआ है, और मिट्टी भी कट रहा है इससे बाउंड्री के गिरने का भी खतरा हो सकता है, तो बेहतर है कि इसको भरवा दिया जाए। ये पीछे बंद पड़ा फैक्ट्री जो कि बहुत सालों से, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया ये बंद पड़ा हुआ, इसमें कुछ होना नहीं है, वो भी शायद बेच के इसे प्लॉटिंग करवा के घर वालों को दे देंगे कॉलोनी के लिए। तो कुल मिला के ये हालत है इस प्लॉट की, चारों तरफ बड़े बड़े झाड़ उगाए हैं। अब कल देखता हूँ, इसकी सफाई करवाता हूँ, गड्ढे को भरवाता हूँ। काफ़ी गर्मी लग रही है, पसीने से लथपथ हो गए इतनी देर में, बारिश भी नहीं हो रही अच्छे से। चलिए और आगे दिखाता हूँ क्या क्या है इस कॉलोनी में। यहाँ से नज़ारा देखिए, वो सामने एक दूर शायद आपको दिख रहा होगा एक पहाड़ी, जो इस जगह को और खूबसूरत बना देता है। जब मौसम साफ़ होगा तो काफ़ी अच्छे से दिखेगा, अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम है, फॉगी दिख रहा है, दूर दूर तक सुंदर नज़ारे, काफ़ी शांति है यहाँ पे, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, आने वाले समय में जब घर बनने लगेंगे तो भीड़ भी बन जाएगी। तो कुल मिला के ये है प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं आज आया था घूमने के लिए, और सोचा कि लगे हाथ एक वीडियो भी बना दिया जाए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया आप लोगों के लिए। मेरे चैनल में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, अभी मोनेटाइज होने के बाद फिर से डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने, 90 दिनों के बाद फिर से मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा, वीडियो डालना तो मैं बंद नहीं करूँगा, वीडियो डालता रहूँगा इसी तरह से आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये कॉलोनी आपने देखा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी घुमाई आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे डेस्टिनेशन में जाऊँगा, बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ बाहर, तो फिर अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय।